कुलभूषण चौटाला के कार्यक्रम में आईएएस अधिकारी से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इंडियन नेशनल लोकदल संगठन को मजबूत करने के लिए रेवाड़ी पहुंचे पूर्व सीपीएस श्याम सिंह राणा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करने वाली भाजपा सरकार में आज बेटियां महफूज नहीं है। रेवाड़ी में 5 साल 9 साल या 20 साल की युवतियों के साथ आज दरिंदगी हो रही है। यहां तक कि फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम के दौरान जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये वाकया हरियाणा को कलंकित करने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम हरियाणा के पानीपत से शुरू की थी और आज हरियाणा में ही भाजपा की सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी शर्मनाक हरकत की गई है जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। वहीं आज टीकाकरण करवाने रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में पहुंचे भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, जो करेगा वह भरेगा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है और जो गलत काम करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल निंदा करते हैं। देखिए, ये पूरे प्रदेश की सरकार के लिए शर्म की बात है। वैसे सरकार का नारा तो केंद्र से लेकर प्रदेश तक एक ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि प्रदेश के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है। कहीं 5 साल और 9 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं और सरकार इसको बिल्कुल रोकने में नाकाम रही। ये सरकार कानूनी व्यवस्था को कायम करने में असमर्थ है और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इनका सार्थक नहीं है। हाँ, देखिए, जे जे पी कार्यकर्ताओं पे रोक लगते हैं, वो सरकारी पार्टी के नुमाइंदे हैं और सरकार उन पे कार्रवाई करे, जरूर करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो इस मसले में भी उनकी पिछती होगी। हरियाणा प्रदेश के लिए पूरे शर्म की बात है, सरकार के लिए तो और भी बड़ी शर्म की बात है। इसलिए सरकार ने इस पे गौर करके कानूनी शिकंजा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।